नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट जितेंद्र दलाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द लीगल एड। आज की वीडियो में बात करेंगे जो मैंने पीछे वीडियो बनाई थी जिसमें नेशनल लोक अदालत जो 11 फरवरी 2023 को लगी थी, उसके बाद बहुत सारे लोगों के सवाल थे कि सर मैं चालान को नहीं भर पाया, इसमें हमारे पास क्रेडिट कार्ड का नोटिस आया हुआ था, हम नहीं जा पाए, हमारा एक केस था जिसमें सेटलमेंट होनी थी, हम नहीं करवा पाए, तुम कैसे इस केस को ख़त्म कराएं। तो चलिए इसी टॉपिक पर वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में आपके जो सवाल थे उन्हीं को लेंगे और उनके जवाब देने की कोशिश करेंगे। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। देखिए, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, 11 फरवरी 2023 को लोक अदालत लगी थी जिसमें ट्रैफिक चालान आप भर सकते थे, आपका केस जो समझौता योग्य था, समझौता हो चुका था, उसमें आप समझौता करा सकते हैं, जिसमें समझौते की उम्मीद थी उस केस को लोक अदालत में रखवा कर भी आप अपने केस को ख़त्म करा सकते थे। कुछ ऐसे केसेस थे जिनमें समझौता हो सकता है कानूनी रूप से, उनको भी आप समझौता करवा सकते थे। बैंक के जो लोन के केसेस थे उनको भी समझौता करा सकते थे। उसके अलावा अन्य कोई बिजली चोरी के थे या अन्य बिजली से संबंधित या पानी से संबंधित आपके बिल के जो केसेस थे उनको भी आप ख़त्म करा सकते थे, लेकिन कुछ लोग नहीं करा पाए। देखिए, सबसे पहले और सबसे ज़्यादा एक सवाल मेरे से पूछा जा रहा है कि क्या सर ये लोक अदालत हमारे यहाँ पे भी लगेगी। तो देखिए, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जब मैंने बताया आपको कि नेशनल लोक अदालत जहाँ पर कोर्ट है हर कोर्ट में लगेगी, तो ये सवाल पूछने के लिए आप ध्यान से इस बात को समझें कि जहाँ पर लोक अदालत है वहाँ पर, जहाँ पर आपका कोर्ट है वहीं पर लोक अदालत लगेगी, हर कोर्ट में लगेगी, चाहे वो छोटा कोर्ट है या बड़ा कोर्ट है वहाँ पर लोक अदालत लगेगी। और अब मैं बताना चाह रहा हूँ, 11 फरवरी 2023 को लोक अदालत लगेगी थी, उसके बाद 13 पाँच 2023 को फिर से लोक अदालत लगेगी। उसके लिए आप प्रिपरेशन करके रखें, और अगर आपका केस में समझौता होने वाला है, कुछ ही पॉइंट पर अटका हुआ है, तो आप दूसरी पार्टी को नोटिस कराकर केस को लोक अदालत में रखवा सकते हैं। वहाँ पर जो जज साहब बैठे होंगे आपके केस में, जो थोड़ा बहुत समझौता पेंडिंग है उसको वो करवा सकते हैं, लेकिन लोक अदालत में किसी भी पार्टी पर किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं दिया जाता। उसके बाद एक सवाल ये अमूमन चालान के बारे में मेरे से पूछा जाता है कि सर मेरा चालान 10,000 का था, क्या कम हो जाएगा या नहीं होगा, मेरे 20,000 के चालान हैं, क्या कम होंगे या नहीं होंगे। तो देखिए, मैंने ऑलरेडी इस टॉपिक पर बहुत सारी वीडियो बनाई हुई हैं, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि लोक अदालत में आपका चालान 100% कम होगा, कितना होगा ये वहाँ के जज पर जो उस लोक अदालत में बैठा है उस पर निर्भर करता है और उसकी टर्म एंड कंडीशन क्या है। लेकिन अगर कोई चालान ऐसा है, सपोज आपका 10,000 का पोल्यूशन का चालान है और आपके पास पोल्यूशन है या उस डेट में वैलिड पोल्यूशन था जिस डेट में आपका चालान हुआ है, तो वो चालान की कॉपी या फोटोकॉपी दिखाकर आप चालान को ख़त्म करा सकते हैं। वहाँ पर केवल आपको 100 रुपये का जुर्माना देना होगा, लेकिन जिस दस्तावेज ना होने की वजह से आपका चालान कटा है तो उसकी पेनल्टी आपको देनी पड़ेगी। पूरी पेनल्टी में से कितनी पेनल्टी जज साहब कम करेंगे ये डिपेंड करता है कि वहाँ पर जो जज साहब बैठे हुए हैं। दूसरी बात, बहुत सारे लोग एक बात को सवाल कर रहे हैं कि सर क्या लोक अदालत का नोटिस आया है तो क्या मुझे जाना ही पड़ेगा, क्या मैं नहीं गया तो क्या होगा। तो देखिए, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया है, फिर से आपको डिटेल में बताना चाह रहा हूँ कि लोक अदालत का जो नोटिस है उसमें आपका जाना मैंडेटरी नहीं है, अगर आप जाना चाहें तो जा सकते हैं, लेकिन अगर आपके केस में समझौता हो चुका है या होने वाला था या आप करना चाहते थे किसी मुख्य कारण से या कोई जेन्युइन रीज़न था जिस वजह से आप नहीं जा पाए, तो फिर आप दोबारा एप्लीकेशन लगा के कि मैं किस कारणवश नहीं आ पाया, अगली बार मैं आना चाहता हूँ, आप दोबारा एप्लीकेशन लगा लें, अगली नेशनल लोक अदालत में चले जाएं। और एक और बात बताना चाह रहा हूँ कि 31 मार्च 2023 तक कुछ ऐसी कोर्ट्स हैं जहाँ पर आप पता कर सकते हैं, जहाँ पर हर कोर्ट में हर जज के पास डेली लोक अदालत लगती है, यानी हर रोज़ लोक अदालत होती है, उस लोक अदालत में भी आप अपने केस को निपटवा सकते हैं, चालान का भुगतान कर सकते हैं। हर कोर्ट में 31 मार्च तक नेशनल लोक अदालत की तरह ही लोक अदालत होती है, जो डेली लोक अदालत बोलते हैं जिसको, जो हर रोज़ लगती है, उसमें आप अपने मैटर को पुटअप करा के भी ख़त्म करा सकते हैं। आप एप्लीकेशन दे सकते हैं या वर्बली जज साहब से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मेरे केस को डेली लोक अदालत में रख के इसमें ख़त्म करा दिया जाए। उसके बाद एक और सवाल ये पूछा जाता है कि क्या मेरे को सर वहाँ जाना पड़ेगा या नहीं जाना पड़ेगा, अगर मेरे पास नोटिस आया है तो मैं किसी और को भी भेज सकता हूँ। देखिए, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, अगर आपका समझौता हो गया और आप करना चाहते हैं और आपका कोई जेन्युइन रीज़न आप नहीं जा पाए,
तो आप किसी को भेजना चाहते हैं तो भेज सकते हैं, अदरवाइज़ अगर आपको समझौता करना है तो आपको खुद ही जाना पड़ेगा, आप किसी दूसरे को नहीं भेज सकते हैं। इसके अलावा जो एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ, जहाँ पर कोर्ट है वहाँ पर 31/5/2023 को नेशनल लोक अदालत लगेगी। जिस केस में समझौता हुआ है या होने वाला है उसमें आप समझौता कर सकते हैं, चालान का भुगतान कर सकते हैं, बिजली के इसका भुगतान कर सकते हैं। इसमें आपका अमाउंट जो है आम तौर पर जो होता है वो कम हो जाएगा, जो अमूमन डेली रूटीन में जो जितना अमाउंट आपको भरना पड़ेगा उससे इसमें लोक अदालत में बहुत कम भरना पड़ता है। आधा अमाउंट भी हो सकता है, आधे का आधा भी हो सकता है, 20% भी भरना पड़ सकता है और 50% भी, ठीक है। अगर आपको कोई इसके अलावा आपका कोई सवाल है, सुझाव है, तो इस वीडियो में आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं, हमारे लिए अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, तो दिए हुए नंबर पर आप मेरे लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।